हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। फिर से हाजिर हूं आपके बीच एक हिंदी का और एक बेहतरीन सेशन लेकर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं SI की हिंदी, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की हिंदी और पटवार की हिंदी हम पढ़ रहे हैं। तो रीट के मेरे परीक्षार्थी हैं, रीट के मेरे भाई बहन हैं, उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हालांकि मैंने रीट का पूरा सिलेबस करवा दिया है यहाँ पे, तो आशा करता हूँ कि यह क्लास आपको अच्छी लगेगी और पिछली क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। आज की क्लास को देखने के लिए, आज वाले मैटर को समझने के लिए आपको लास्ट क्लास समझ लेनी अति आवश्यक है, क्योंकि लास्ट क्लास को समाप्त करते करते मैंने यण संधि के बारे में आपको अच्छी तरीके से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताए थे। तो वो भी क्लास आप देख लेना, आज वाली क्लास आप शुरू से लेकर अंत तक देखना। मेरी क्लास आप देखते हो तो आपको भाई पूरी से आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरी क्लास देखनी होगी, तभी बात पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। मैं बात आपके साथ में कर रहा हूँ SI और SI का आपका जो ये पार्ट रहने वाला है वो आठवां पार्ट है। SI का ये आठवां पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। सात पार्ट्स के माध्यम से हमने अच्छी तरीके से इसको पढ़ लिया है और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारा संधि का जो पार्ट है वो है हमारा छठा पार्ट है। कल भी हो सकता है शायद मैंने यहाँ पे छठा लिख दिया था, लेकिन वो पांचवा पार्ट था, उसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लोगे। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो संधि का छठा पार्ट अपने पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं पूरी की पूरी आपके साथ में यण स्वर संधि के बारे में बात करने वाला हूँ। यण संधि होती क्या है और यण संधि में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसकी भी बात मैं आपके साथ में करने वाला हूं। सबसे पहले देखिए यण स्वर संधि के बारे में, आपको मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका था स्वर संधि का जो चौथा भेद होता है, जिसे अपने यण स्वर संधि के नाम से जानते हैं, जिसे हम यण स्वर संधि के नाम से जानते हैं। देखिए यण स्वर संधि को जानने से पूर्व आपको यह भी समझना होगा कि यण संधि का जो स्ट्रक्चर रहता है, उसकी जो संरचना रहती है वो किस प्रकार की रहती है। यण स्वर संधि में प्रथम शब्द के अंत में क्या आता है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, कल वाली क्लास में मैंने बताया था आपको। इसकी जो संरचना रहती है, इस संरचना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे संरचना देखिए कौन सी रहती है। प्रथम शब्द के अंत में हर्षव या दीर्घ, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में हर्षव या दीर्घ और री आता है, और उसके बाद में सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है द्वितीय शब्द के प्रारंभ में आपसे क्या पूछा जाता है, उसकी बात मैंने आपके साथ करी थी कि द्वितीय शब्द के प्रारंभ में क्या आता है। तो यहाँ पे जो द्वितीय शब्द के प्रारंभ में आता है असमान स्वर आता है, उसकी बात मैं आपको कल अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। क्या आता है यहाँ पे, असमान स्वर आता है, और यहाँ पे जो ई है वो य बनाती है और ऊ है वो वह बनाता है, और आपका जो री है वो क्या बनाता है, रे बनाता है। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और इसके साथ में अगर बात करूँ मैं यहाँ पर आपकी जो बात करूँ मैं, तो ये और वे और रे आपका इन तीनों का निर्माण हो जाता है ई ऊ और आपके री से, ये आपको पता है। इसके साथ में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो मात्राएं होती है, ये वाली जो मात्राएं वो इसमें जुड़ जाती है। इसके साथ मैंने आपको बताया था यह वह ऐसे पहले हमेशा ही संधियुक्त शब्दों में आधा आता है, अगर संधि विच्छेद करनी हो तो आपको यह वह रह में जो मात्रा लगी है वहीं से आपको अलग करना है, वो बात मैंने आपको बता दी थी। अब मैं क्या बात करता हूँ, सबसे पहले मैं आज बात करूँगा परिभाषा की, ठीक है। परिभाषा के बाद में हम कुछ उदाहरणों की बात करेंगे। देखिए परिभाषा क्या होती है, जब प्रथम शब्द के अंत में, जब प्रथम शब्द के अंत में, जब प्रथम शब्द के अंत में कर्मशः लगाना जरूरी है, क्योंकि आपके जो कर्मशः लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो स्वर है उनका कर्म यही रहता है, और कर्मशः ई ई उ ऊ और री आए तो री तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, क्या आए, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में आपका असमान स्वर। ये बात आपको मोस्ट रूप से आपको याद रखनी है, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में क्या आए, असमान स्वर आए, ठीक है।
एस मान स्वर आई, तो संधि करते समय ये वे रे का विकार उत्पन्न हो जाता है, यह वह और रे का विकार उत्पन्न हो जाता है, और जो एस मान स्वर आया है, जो एस मान स्वर आया है वो ये वह रे में जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही यण स्वर संधि कहा जाता है। आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, मैंने आपका एक एक शब्द के अनुसार क्या कर दी है, आपको परिभाषा लिख दी है। मैंने ये कहा कि जब प्रथम शब्द के अंत में हर्षवी दीर्घी हर्षवु दीर्घु री आए तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में एस मान स्वर आए, तो संधि करते समय यह वह रह का विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये है आपका, इनका विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और एस मान स्वर आया है, जो एस मान स्वर आया वो इस यह वह रह में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, उसे यण स्वर संधि कहा जाता है। याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने संरचना बता दी कि ये आए तो इनका ये कर देना है, यहाँ पे एस मान स्वर आए तो ये कर देना। आपको ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। यहाँ पर ये चीज़ नोट करने के बाद में तीन छोटी चीज़ आप और लिखोगे। यहाँ पर एक नंबर पर हेडिंग डाल के लिख लेना, संधियुक्त शब्दों में यह वह रह से पहले आधा व्यंजन आएगा। आधा व्यंजन यानी व्यंजन मूल रूप में, व्यंजन मूल रूप में आएगा। ठीक है, व्यंजन मूल रूप में क्या करेगा? आएगा। ये बात आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे नोट करनी है। ठीक है, समझ में आई बात कि संधियुक्त शब्दों में यह वह रह से पहले जो आपका जो पहले व्यंजन ये आएगा, यानी व्यंजन अपने मूल रूप में आ जाएगा। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, अगर आपको संधि विच्छेद करना है, यानी संधि विच्छेद करते समय यह वह रह में जो मात्रा होती है उसी मात्रा से शब्द अलग किया जाता है। देखिए, दो बातें आपको इम्पोर्टेंट रूप से महत्वपूर्ण रूप से याद करनी है, अगर जोड़ रहे हो अगर तोड़ रहे हो। मैंने आपको कहा कि अगर संधियुक्त शब्द है तो उसमें यह वह रह जो भी आएगा इससे पहले आपको आधा व्यंजन मिलेगा। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। उसके बाद में मैंने बताया आपको किसी शब्द का संधि विच्छेद करना है तो वहाँ पर आपको यह वह रह में जो मात्रा होती है उसी मात्रा से आपको क्या करना होता है? अलग आपको करना होता है। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे शब्द लिखा मैंने अनवंग, शब्द आपको दिखाई दे रहा है अनवंग। ठीक है, अच्छी तरीके से देखना, आपको देखिए वह दिखाई दे रहा है और वह से पहले आपको आधा दिखाई दे रहा है। पहला नियम यही कह रहा है यह वह रह वह है, इससे पहले आपको आधा दिखाई दे रहा है। हाँ जी, दिखाई दे रहा है, पहला नियम हो गया आपका क्लियर। दूसरे नियम में अगर आपको इसका संधि विच्छेद करना है तो यह वह और रह, यह वह आपका जो यह, इसमें जो मात्रा है यहाँ पे मात्रा किसकी है? ए की है। यहाँ पे जो मात्रा उसी मात्रा से अलग किया जाता है, यानी यहाँ पे जो मात्रा है ए उसके ऊपर अनुस्वार लगा, यहाँ पे कर देते हैं इसको अलग। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, इसको अलग कर दिया अंग। इससे पहले आपको क्या मिला? ये मिला ना आपको। ठीक है, और ये आपको ऐसे लिखना है, इसको भी आधा करना है आपको और इसको भी क्या करना है आपको? आधा करना है। ठीक है, क्योंकि वह को आपको अलग करना है, क्योंकि यण संधि में वह बनता है और वह किससे बनता है? हर्षव या फिर दीर्घ से बनता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इन दोनों को अलग कर देना। अनु क्योंकि उपसर्ग होता है जिसमें मात्रा हमेशा छोटी होती है। आगे जाके करवाने वाला हूँ ये चीज़, मैं आपको थोड़ी सी मैंने आपको अच्छी तरीके से ये बताई है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, या फिर इसको अच्छी तरीके से आप अपनी पेन उठा के अपनी जो नोटबुक है उसमें आप नोट डाउन कर सकते हो। अब मैं इनके उदाहरण बताता हूँ।
कल मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, वो चीज़ और दोबारा से सुन लीजिए, वो चीज़ और दोबारा से सुन लीजिए। मैंने आपको कहा था इस य में कभी भी ह्रस्व ई और कभी भी दीर्घ ई नहीं जुड़ेगी। पहली बात, इस य में कभी भी यण संधि में ये दो मात्राएं कभी नहीं बनेगी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो आपका व दिखाई दे रहा है उसमें न तो व में दीर्घ ऊ आएगा, न ही आपका ह्रस्व ऊ आएगा। ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका यण संधि में कभी नहीं आएगा। ये दो मात्राएं कभी नहीं आएगी, ये वाली दो मात्राएं कभी नहीं आएगी। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ दीर्घ री और आपकी जो ह्रस्व री है ये भी दोनों कभी नहीं आएगी। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ये कभी भी यहाँ पे नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये जो मात्राएं होती है वो इसके बाद में जुड़ी हुई होती है, तो इस कारण से यहाँ पे नहीं आती है ये मात्राएं। आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। इन मात्राओं को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये वाली जो री है, ठीक है, और ये बड़ी री तो इस तरीके से होती है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब मैं इनके क्या करता हूँ, उदाहरणों को आपके सामने रखता हूँ। आप उदाहरण अच्छी तरीके से करेंगे तो आपको ये बातें समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगी, ठीक है। अब एक एक को मैं मिक्स उदाहरण लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको उदाहरण बहुत सारे मिल जाएंगे, सिर्फ आपको संरचना और नियम आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। नियम आपको अच्छी तरीके से समझना है, चलते हैं फिर अगले उदाहरणों की अगर बात अपने करें तो उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले जो मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ, और जब संधि विच्छेद करते हैं तो लोग क्या करते हैं, अन्य जो साथी है वो प्रतिधन अक्ष करते हैं, ठीक है, प्रतिधन अक्ष करते हैं, ठीक है, प्रतिधन अक्ष करते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष का जो है वो प्रतिधन अक्ष नहीं होता, प्रत्यक्ष ही प्रतिधन अक्ष ही होता है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। प्रतिधन आशा, कुछ एक उदाहरणों को मैं ले लेता हूँ, निधन आस, ठीक है, और विधन आकरण। एक चीज़ और ध्यान रखना, आपकी जो यण स्वर संधि है इसमें पहले जो शब्द है वो लगभग आपके उपसर्ग होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुधन अल्प, ठीक है, और सुधन अच्छा, ठीक है। कुछ साथी है वो सुधन अच्छी करते हैं स्वच्छ का, लेकिन सुधन अल्प हो जाएगा, सुधन आगत, साधुधन आचार, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक और उदाहरण, नारी धन उचित, बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ पे लिख देता हूँ देवी धन अर्पण, कुछ उदाहरण में संधि विच्छेद भी उनका करने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ उदाहरण लिख देता हूँ, जैसे मातृधन आज्ञा, पितृधन अनुमति, और अगला जो उदाहरण है वो है भातृधन उपदेश। अगला जो उदाहरण है वो क्या है आपका, भातृधन उपदेश। इस तरीके से आपके सामने मैंने कुछ उदाहरणों को लिखा है, तो मैंने आपको कल भी बताया था और हमेशा ही बताता हूँ, जब आप संधि कर रहे हो तो आपको संधि करते समय भाई एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपके सामने जो संधि विच्छेद मैंने कर रखा है उन शब्दों में से आपको मात्राएँ अलग करनी है। उन शब्दों में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको मात्राएं दिखाई दे रही है उन मात्राओं को आप एक बार अलग कर दीजिए। अलग करने के बाद में आप क्या करिए, वहां से आप नियम बनाइए, वहां से आप क्या करिए, वहां से आपको नियम बनाना है। नियम बनाने के बाद में आपको शब्द लिखने हैं। चलो जी, शब्द क्या करते हैं, यहाँ पे आपको ई की मात्रा दिखाई दे रही है, यहाँ पे ए है, शब्द की मात्रा मैं अलग कर लेता हूँ, यहाँ पे आ है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे आ है, यहाँ पे ई, यहाँ पे आ, और यहाँ पे दीर्घ ई है, यहाँ पे ऊ है, ठीक है, यहाँ पे ऊ है, फिर ए है, ऊ के बाद में ए आया है, और यहाँ भी ऊ के बाद में आ आया है, ऊ के बाद में आ आया है, ई के बाद में ए आया है, री के बाद में यहाँ पे आ आया है, और री के बाद में यहाँ पे ए आया है, और री के बाद में यहाँ पे ऊ आया है। इस तरीके से आप सबसे पहले इनकी क्या कर लेते हो, मात्राएं यहाँ पे छांट लेते हो। मात्रा छांटने के बाद में आप उनका क्या करोगे, परिवर्तन करोगे। परिवर्तन करने के बाद में अब देखिए, मैं इनके उदाहरण तो मैंने आपको बता दिए हैं, अब इसके बाद में आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि भाई इनसे कितने नियम बन सकते हैं, उन नियमों को भी आपको ध्यान रखना है।
देखिए प्रतिधारक से मैंने कहा ए का यह बनाना है और ये आधा बनेगा, आधा बनने के बाद में जब इसमें यह ए जोड़ोगे तो आपका यह पूरा हो जाएगा। शब्द क्या है प्रत, ठीक है यह बन गया और लास्ट में क्षि बच गया। ठीक है शब्द जोड़ते टाइम ई की मात्रा का हर्षवीकरण हो जाता है तो शब्द क्या बन जाएगा आपका प्रत्यक्ष हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ई के बाद में आ आया है तो इसका क्या बन जाएगा या बन जाएगा, ठीक है इसका हमने या बनाया है, लास्ट में सा बच गया, शब्द जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा प्रत्याशा बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे प्रत्याशा यहाँ पर बन जाता है। यहाँ से देखिए ई है, ई का आ आपका यह बनना है, आ जोड़ने पर या बनेगा, शब्द देखिए न आधा बच गया और यहाँ पे आ है और यहाँ पे स है, दोनों को जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा न्यास बनेगा। मैंने आपको नियम बताया था भाई यह से पहले आपको आधा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा, हाँ जी यहाँ भी दिखाई दे रहा, चलो अपना नियम सही है। आगे चलते हैं ई बनाएगा यह और आ जोड़ दो या बना जाए बन जाएगा, शब्द देखो वह आधा या और करण, शब्द जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा व्याकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका व्याकरण यहाँ पे बन जाता है। ठीक है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है नारी धनुचित ई और ऊ, क्या बनेगा यू बनेगा, शब्द क्या नार यू जोड़ दो और लास्ट में चित बन गया, शब्द क्या बनेगा यहाँ पे नारियोचित, क्योंकि रह भाई साहब क्या कहता है कि भाई मैं बीच में आधा नहीं आऊँगा, आपको मुझे ऊपर लेके जाना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आधा है इस कारण से इसको ऊपर लेके जाना ही पड़ेगा, ऐसे ये बैठ जाता है, ये आपको याद रखना है, ये फण तान के बैठता है किसी भी वर्ण के ऊपर। यहाँ से देखिए ऊ है और यह, ऊ क्या बनाएगा वह और इसमें ए जोड़ोगे तो वह आपका पूरा हो जाएगा, स आधा बचेगा यहाँ पे वह शब्द बनगा लप, शब्द क्या बना स्वल्प, जो कम होता है कम से भी कम होता है उसको स्वल्प कहा जाता है। यहाँ पे इसका क्या बनेगा ऊ का वह और ये जोड़ दो पूरा हो जाएगा, शब्द देखिए आधा, फिर इस ए को हमने काम में ले लिया, फिर वह बना दिया हमने, फिर छा, शब्द जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा स्वच्छ, स्वच्छा नहीं बनेगा क्योंकि इस आ का क्या हो जाता है हर्षवीकरण हो जाता है, ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। आगे देखिए सुधन सु है, ये क्या है आपका सु है, यहाँ पे अ सॉरी ऊ को मिलाया तो वह और उसमें आ जोड़ दिया वाह हो गया तो आधा फिर पूरा फिर गत, ठीक है आ की मात्रा थी यहाँ पे तो शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे स्वागत है यहाँ पे बन जाता है। ठीक है सुधन आगत मत कर देना, अपने को जो आया वो नहीं सुधन आगत, जो आता है वो अच्छे के लिए आता है तो स्वागत यहाँ पे हो जाता है। देवी धन अर्पण, ये उदाहरण भी आपके लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए ई की मात्रा यह बनाएगी और इसमें यह जोड़ोगे तो क्या है यह आपका पूरा बन जाएगा। यहाँ पे देखिए शब्द क्या है देव है, यहाँ पे यह बन गया और यहाँ पे देखिए पण, शब्द जोड़ोगे तो क्या है दिव्य अर्पण। बहुत बार ये पूछा गया उदाहरण है दिव्य अर्पण में कौन सी संधि है, तो बहुत बार ये एग्जाम में आया दिव्य अर्पण में आपकी यण संधि होती है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए अगले उदाहरणों की और बात करेंगे अच्छी तरीके से, आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे। अगले उदाहरण की बात अपने करें तो मातृधन री रे बनाएगी और यहाँ पे आ है तो शब्द क्या बनेगा रा बनेगा। थोड़ा सा मैं इसको क्या कर देता हूँ कैमरे को रोटेट करता हूँ थोड़ा सा कि आपको पूरे अच्छी तरीके से दिख जाए। ठीक है यहाँ पे इसका क्या बनेगा रा बनेगा, यहाँ पर रा बनने के बाद में देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका ऊपर लिख रहा हूँ मैं शब्द इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा ना ये। और आपको पता है तय के बाद में रह पूरा आता है तो उसको कैसे लिखना होता है, इसको ऐसे ही लिखना होता है तो शब्द क्या बन जाएगा मात्राज्ञा बन जाएगा, बन जाएगा ना। यहाँ पे देखिए री के बाद में रे ए आया है तो उसको रे पूरा कर देते हैं, शब्द में यहाँ पे लिख रहा हूँ पी त फिर रे फिर नू फिर म ती, आपको बात पता है तय के बाद में रे पूरा आता है तो इसको त्रय लिखना होता है पितृ अनुमति, पितृ अनुमति इसका क्या हो जाता है इसका हो जाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको री दिखाई दे रही है यहाँ पे ऊ दिखाई दे रहा है तो भाई इसमें रू की मात्रा छोटा रू लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा आपको छोटा रू यहाँ पे आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा तो शब्द मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ठीक है भात फिर रू फिर प्रदेश, ठीक है इसमें ये जोड़ दोगे तो आपका क्या बन जाएगा मात्रा छोटी की छोटी रहेगी भात्रा उपदेश यहाँ पे बन जाता है यहाँ पे। अब देखो जितने भी मैंने उदाहरण बताए हैं उन उदाहरणों में एक चीज़ आप नोट कर लोगे अच्छी तरीके से, क्या नोट करनी है आपको
आपको ये चीज देखनी है भी कोई भी जो यह और वह र बना है यहाँ पर आधा है या नहीं है। आपको सभी उदाहरणों में ये चीजें पहचाननी है। एक एक उदाहरण को आप जूम कर करके स्क्रीनशॉट लेके लिख के आपको पता करना है या नहीं, बिल्कुल यहाँ पे लगता है। अब मैंने उसके बाद में आपको दूसरा नियम ये बताया था कि संधि विच्छेद अगर आपको करना है तो यहाँ पर यह वह और र में जो मात्रा लगी है उसी मात्रा से क्या करना होता है, आपको अलग करना होता है। वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अभी मैं आपको क्या करने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, फिर मैं आपको कुछ नियम बताने वाला हूँ, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। यण संधि के कुछ और उदाहरण मैं आपको तीन चार उदाहरण आपको बताने वाला हूँ जिसमें से आपको क्या करना है। चलते हैं फिर आगे अपने, चलते हैं आगे, कहाँ चलते हैं भाई, उदाहरण करते हैं। शब्द लिखा है मैंने, शब्द लिख दिया मैंने एक अध्यक्ष, एक शब्द लिख दिया मैंने अध्यापक, एक शब्द लिख दिया मैंने गुरुवाचार, ठीक है, एक लिख दिया मैंने पित्राज्ञा। आपके सामने मैंने चार शब्द लिख दिए हैं, मैंने आपके सामने क्या लिख दिए हैं, चार शब्द मैंने यहां पे लिख दिया। एक शब्द और लिख देता हूं, ठीक है, जो बहुत बार एग्जाम में ऐसा कैसा पूछा गया है। ये जो उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है बड़ा ही सामान्य सा उदाहरण है और शब्द भी थोड़ा सा क्या है आपको अटपटा लग रहा होगा कि ये ऐसा क्या शब्द लिख दिया सर ने, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये उदाहरण में बहुत बार पूछा गया है। देखिए आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले देखिए भैया आपको क्या देखना है, आराम से समझते जाना। यह आपको दिखाई दे रहा है, यह दिखाई दे रहा है, वह दिखाई दे रहा है, रह दिखाई दे रहा है और यह आपको दिखाई दे रहा है। इससे पहले देखो जी आधा है, इससे पहले देखो जी आधा है, इससे पहले आपका ये रहा आधा, इससे पहले यही है, इससे पहले रह से पहले ये तय आधा है ही और यह से पहले रह आपका आधा है ही, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात यहाँ पे क्लियर हुई। उसके बाद मैंने कहा जुड़े हुए शब्दों में जब विच्छेद करना है तो यह में जो मात्रा है वहीं से क्या करते हैं आपको अलग करनी है अक्ष, ठीक है, यहाँ पे जो मात्रा है वहीं से आपको क्या करना है अलग करना है आपक, जहाँ जो मात्रा लगी है वहीं से आपको अलग करना है वह में आचार, ठीक है, यहाँ पे जो मात्रा लगी है रह में आ की मात्रा वहीं से क्या कर देते हैं आपको अलग करना है, और यहाँ पे देखिए ऊ की मात्रा लगी है उसी ऊ से क्या करना है आपको अलग करना है। अब आपको चेक करना है क्या ये आपकी यण संधि है या नहीं है, चेक करने के लिए आपको ये देखना है जितने भी मैंने ये शब्द लिखे हैं आपको देखने हैं कहीं शुद्ध आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे अक्ष का क्या बच जाएगा, अभी अक्ष का अक्ष ही हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका हर्षवीकरण होता है, आपक होता है, आप में अक प्रत्यय लगने से ये जुड़ता है, आचार बिल्कुल कानून नियम कायदा होता है, अज्ञा बिल्कुल होता है और उचित यानी सभी शब्द हैं वो द्वितीय शब्द बनकर आ रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है, सही है। चलो अब फिर अपने नियम से करते हैं। आपने इसमें से ये अ निकाल लिया तो यह आपका आधा बच गया, यह आधा बचने के बाद में आपका ये भी कहानी। अब देखो इस शब्द में और इस शब्द में कोई अंतर नहीं है अभी, ठीक है, हमें संधि विच्छेद करनी है। यह किससे बनता है, यह किससे बनता है, यह बनता है या तो हर्षवी से या दीर्घी से, लास्ट में क्या बच गया आपका अक्षी बच गया, ठीक है। तो अधि आपका उपसर्ग होता है, एक बार छोटी मात्रा लगाते हो और एक बार आप बड़ी मात्रा लगाते हो, एक बार छोटी मात्रा लगानी है आपको और एक बार आपको बड़ी मात्रा यहाँ पे आपको लगानी है, तो आपको याद रखना है छोटी मात्रा हो या फिर बड़ी मात्रा हो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन आपको जोड़ते टाइम विच्छेद करते टाइम क्या रखना है कि अधि उपसर्ग होता है जिसकी मात्रा क्या होती है छोटी होती है, तो ये जोड़ा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं, अधि धन आपक, आपक यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं क्योंकि इस शब्द को पूरा करना है हमें, तो यहाँ पे देखिए यह आपका आधा बच गया और यहाँ पे अध आपका यहाँ से बच जाता है, ठीक है। यहाँ पे अध में आप क्या करोगे, एक हर्षवी जोड़ोगे एक दीर्घी जोड़ोगे, लास्ट में क्या बच गया आपका आपक बच गया, ठीक है। वही बात है, अधि में उपसर्ग बड़ा आपका छोटा होता है और आपक शब्द क्या हो जाता है यहाँ पे राइट हो जाता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। वापस आगे चलते हैं, आचार, आचार देखिए, ठीक है, यहाँ पर आचार में आपको क्या करना, आचार नहीं है खाने वाला, आचार है नियम कानून कायदा। आचार में मात्रा क्या होती है भाई, छोटी होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आचार में क्या होती है मात्रा छोटी होती है। अब आपने यहाँ से निकाला तो वह आपका आधा बच गया, लास्ट में शब्द क्या बच गया गुर,
और वह कैसे बनता है आपको ये ध्यान रखना है, वह बनता है ह्रस्व उ या फिर दीर्घ उ से, और शब्द क्या बन गया आचार, और यहाँ पे शब्द जोड़ना है आपको गुर। आपको पता है गुरु होता है उसमें मात्रा छोटी आती है, और शब्द क्या बनता है गुरु धन आचार बनता है, ये इसका क्या हो जाता है गुरु धन आचार का ये बिल्कुल जोड़ा हो जाता है। पितृधन आज्ञा, और पितृधन आज्ञा को जब आप लिखते हो तो इस तरीके से आपने रह में से आपने क्या किया मात्रा को निकाला है, शब्द यहाँ पे क्या बचा है पित बचा है। रह कैसे बनता है री से बनता है, किससे बनता है आपका री से बनता है, स्पष्ट है कहानी, तो पितृ हो जाता है और आपका आज्ञा हो जाता है, तो पितृ आज्ञा का जो विच्छेद होगा वो पितृधन आज्ञा हो जाता है, आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे की बात अपने करें तो यहाँ पे शब्द बचा उचित, ठीक है, यह में से आपने मात्रा निकाली, शब्द क्या बचा यहाँ पे ये वाला, ठीक है, यह है आपका वो किससे बनता है ह्रस्व या दीर्घ से बनता है, लास्ट में आपका उचित आता है, यहाँ पे शब्द क्या बच गया ये बच गया। ठीक है, इसमें आपको मात्रा जोड़नी है एक बार छोटी और एक बार आपको बड़ी जोड़नी है, तो स्त्री शब्द है वो ये सही होता है और शब्द क्या बन जाता है स्त्री धन उचित स्त्री उचित हो जाता है, ये आपका यहाँ पे नियम है आपके, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे इस तरीके से आप इसकी क्या कर सकते हो संधि विच्छेद भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको संधि विच्छेद करना भी सिखाया, मैंने संधि आपको संधि विच्छेद करना और जोड़ना भी मैंने बताया अच्छे तरीके से, आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैं अब कुछ आपको क्या करता हूँ नियम बता देता हूँ, इनके क्या कर देता हूँ आपको नियम बता देता हूँ भाई, कितने तरीके के नियम आपको यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं, यण संधि पर कितने नियम आपके अप्लाई हो सकते हैं, उन नियमों की बात मैं कर लेता हूँ आपके साथ में। ठीक है, अभी देखते हैं, यहाँ पे पहला नियम देखो, ह्रस्व ई के बाद में जब ह्रस्व ई दीर्घ ई आता है तो उसके बाद में कितने स्वर आएंगे, नौ स्वर आएंगे। ठीक है, तो आपको पता है नौ स्वर आएंगे तो इसके कितने नियम बनेंगे, 18 नियम बनेंगे। कितने नियम बनेंगे, 18। कैसे बनेंगे 18, कि इसके साथ में नौ आएंगे और इसके साथ में भी नौ आएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, अगर पहले के साथ में नौ आ रहे हैं तो दूसरे के साथ में भी कितने आ सकते हैं, नौ आ सकते हैं। इस तरीके से इसके नियम कितने हो सकते हैं आपके, 18 नियम हो सकते हैं। इसके बाद में दूसरा जो आपका बचता है दीर्घ ह्रस्व उ और दीर्घ उ के साथ में कितने आएंगे स्वर, नौ स्वर आएंगे। तो भाई नौ स्वर आएंगे तो इसके भी 18 नियम बन जाएंगे, आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, कोशिश करनी है अगली क्लास तक आप इन 18 नियमों को बना लो, ना बन पाए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको अच्छी तरीके से बनाकर बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद में आप ह्रस्व उ के साथ में नौ स्वर लगाते हो, दीर्घ के साथ में आप कितने स्वर लगाते हो, आपको फिर नौ स्वर लगाने हैं। ठीक है, तो नौ और नौ मिलकर कितने हो जाते हैं, 18 आपके स्वर यहाँ पे हो जाते हैं, याद रखना है आपको अच्छी तरीके से, क्या रखना है आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए, अब आपका जो री स्वर है, जो री स्वर है इसके साथ में कितने स्वर आएंगे, जल्दी से कमेंट करना मेरे को बताना, यानी जो री स्वर है इसके बाद में कितने स्वर आएंगे। अब आप कह दोगे कि जी नौ स्वर आएंगे, तो यहाँ पे नौ स्वर नहीं आने वाले हैं, यहाँ पर भी कितने स्वर आएंगे, 10 स्वर आएंगे, क्योंकि टोटल कितने होते हैं, टोटल 11 स्वर है आपके पास, 11 में आपने दो निकाले, तो अब देखो 1, 2 और 9, 11, 1, 2 और 9, 11, यहाँ पे 1 और 10 कितने हो गए, 11 नियम कितने बनेंगे इसके, 10 नियम बनेंगे, समझना अच्छी तरीके से, 10 नियम कैसे बनेंगे, क्योंकि भाई आपका यहाँ पे री अकेला है, री अकेला है तो उसके 10 नियम बनेंगे। तो यण संधि में टोटल नियमों की बात करी जाएगी तो 16 नियमों से आपको यण संधि करनी होगी, और मैंने आपको इन सभी के लिए बहुत अच्छी बात आपको बता दी है, मात्राओं को अलग करिए, मात्राओं को अलग करने के बाद में इसके ऊपर नियम अप्लाई कराइए, फिर कौन सा वर्ण आपका नया बना है वो लगाइए, आपके बिल्कुल भी जो संधि है वो गलत होने वाली है नहीं। तो इस तरीके से मैंने आपको चौथी संधि है यण स्वर संधि के बड़े अच्छी तरीके से मैं बारीकी से आपको पढ़ा रहा हूँ, कैसी लग रही है आपको ये क्लास ज़रूर मुझे कमेंट करके बताओगे, और कल मैं फिर आपकी अयादी स्वर संधि मैं लेके आने वाला हूँ, और इसी तरीके से अपने आधे आधे घंटे के बेहतरीन सेशन लेकर आपको मैं पूरी संधि करवाने वाला हूँ। ठीक है, करवाने के लिए मैं 1 घंटे भी करवा सकता हूँ, 2 घंटे भी करवा सकता हूँ, लेकिन आप जितना सहज तरीके से ग्रहण कर सको उतना ही मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसा लगा भी क्लास ज़्यादा हो रही है तो एक दिन मैं 2-3 घंटे की सीधी क्लास लगा कर आपको क्या संधि पूरी करवा दूंगा, अगर आप कहते हो तो। ठीक है,
तो आज मैं आपको इतना ही करवाने वाला हूँ। कैसी लग रही है आपको ये क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं। एग्रीकल्चर की आपको क्लास कैसी लग रही है, राजस्थान जो कल्चर क्लास है जो विकास चौधरी सर पढ़ा रहे हैं वो क्लासें आपको कैसी लग रही है कमेंट ज़रूर करना, बताना। आपके कमेंट ऊर्जा का काम करते हैं, ये हर बार मैं आपको कहता हूँ। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।